तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ वेस्ट दिल्ली के हिडन जैम के, जो कि चाप के बादशाह हैं। मतलब टेस्ट ना बहुत बढ़िया है। नाम दिखा देती हूँ, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लवली टिक्का टाइम्स। ये चाप के लिए ना बहुत ही फेमस है, और मैं सीरियसली कह रही हूँ दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट चाप मिलते हैं यहाँ पे। निराश नहीं होने वाले, यहाँ पे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आने वाला है आपको। और भी बहुत सारी आइटम है, और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज इनको 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया है इस आउटलेट को। और मेन्यू इतना था और उससे डबल हो गया मेन्यू, उसमें बहुत सारी आइटम्स ऐड हो गई हैं जो कि यहीं मिलने वाली हैं और कहीं नहीं मिलने वाली, ना ही आपने सुनी होगी और ना ही खाई होगी। तो चलते हैं, बात करते हैं जो इस आउटलेट को रन करते हैं, पहले तो उन वीजी से बात करते हैं और देखते हैं हमें नया मतलब 1 साल बाद उसमें कौन कौन सी आइटम डिफरेंट ऐड हुई हैं। बहुत सारी आइटम दिखाने वाले हो, वीडियो को एंड तक देना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको। तो आइए बात करते हैं वीजी। सत श्री अकाल वीजी। सत श्री अकाल। पहली तो आपको बहुत ढेर सारी मुबारक, 1 साल कम्प्लीट। थैंक यू और हैप्पी बर्थडे। आपका आज बर्थडे भी है, मुझे पता लगा। थैंक यू। तो यहाँ तक का 1 साल का सफर कैसा रहा आपका, पहले तो ये बताओ। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मतलब जैसे कस्टमर के हिसाब से इम्प्रूव किया, कस्टमर से फीडबैक लिए। अच्छा जी। जैसे जैसे कस्टमर डिमांड कर रहा था उस हिसाब से फिर हमने चेंजेस भी लाए अपने, जैसे मलाई चाम, जैसे हमारी फर्स्ट डे की और आज की मलाई चाम में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। हाँ जी। तो मेन्यू पहले मैंने देखा था 1 पेज का था, सिर्फ 1 पेज का, और आज वो 4 पेजेस हो गए हैं। ऐसे ही इम्प्रूव किया है जी। अच्छा, ठीक है जी। तो और भी बढ़ेंगे। आइटम आपने ऐड कर लिए। अब न्यू आइटम दाल मखनी आई है, एक बार आप प्लीज टेस्ट करिए दाल मखनी। हमारी सिग्नेचर आइटम है, बहुत चल रही है, जो खा रहा है तारीफ कर रहा है उसकी दाल मखनी की। और पार्टी की दाल मखनी ना इतनी चलनी चाहिए, फैल जानी चाहिए पूरे में भाई। यहाँ बस पार्टी को देखने आ जाए भाई, दिल भर जाता है। अच्छा। और क्या खाया क्या है आपने? मैं तो पता नहीं क्या क्या खा लिया इनके यहाँ का, पता ही नहीं चला क्या। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है यहाँ का, बहुत टेस्टी है, आओ सारे खाओ। तो मतलब यहाँ पे ना लोगों का फीडबैक ना बहुत अच्छा है और प्यार भी बहुत मिल रहा है आपको, है ना? तो मैं देख रही हूँ बैक टू बैक लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं वीर जी कहाँ है, अभी आप थे नहीं तो तभी पूछ रहे कहाँ है वीर जी। तो चाप तो आपकी A1 है, वेस्ट दिल्ली की बेस्ट, मैं तो वेस्ट दिल्ली की बोलूँ, दिल्ली की बेस्ट चाप मिलती है यहाँ पर। आपने बहुत सारी न्यू आइटम्स भी ऐड करी है। हाँ जी। क्या क्या एक आती आइटम का नाम बता दीजिए। एक हमारी आई है स्पेशल क्रीमी वेज फिश, ठीक है जी, वो भी बहुत प्यारी है, बहुत चल रही है। और एक ड्रैगन चाप, करंट चाप चल रही है, ठीक है जी। और एक यूनिक में ये प्योर सोया आइटम्स है, मतलब प्योर सोया आइटम जो कहीं नहीं मिलेगी, मतलब। और एक क्वालिटी है, अमूल क्रीम, अमूल मक्खन डाल रहे हैं हम, एक क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तेल भी हम पतंजलि का महाकोश यूज करते हैं, तो जो एक अपने आप में एक चीज है जी। और मैं स्विगी पे भी देख रही हूँ कि आपकी 4.2 रेटिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। स्विगी पे भी, ऑनलाइन भी मिल रहा है सब कुछ। और ये जो वेज वाला, पहले तो आप बता दो ये 100% प्योर वेज, ये एक प्योर वेज आउटलेट है, कोई इसमें जैसे अगर वेज चिकन, वेज फिश लिखा हुआ है मेन्यू में, वेज मटन, ये सब प्योर वेज है, ये सब इम्पोर्टेड चाम्प होती है, मलेशियन चाम्प जिसे कहा जाता है, और ये सारी चाम्प ही है और प्योर वेज ही है ये। और ये जो वेज अंडे का कॉन्सेप्ट है, ओहो ये बताओ ये क्या है। वेज अंडा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, कहीं नहीं मिलेगा वेज अंडा, ठीक है जी। और हमने इंट्रोड्यूस किया है विद मशरूम एंड पनीर मिक्सचर, तो ये बहुत प्यारी चीज है, एक बार आप ये ट्राई करके देखो, आप खुद कहोगे यार ये यूनिक कैसे बन गया, और प्रॉपर अंडे की वो लग रही है कि। तो ये लवली टिक्का टाइम्स नाम ये बड़ा बड़ा लिखा है, तो कितने बजे आना पड़ेगा हमें यहाँ पर? हम सुबह 12:30 से रात को 11 PM तक हम होते हैं, 11:30 बजे तक, 11:30 12 भी बज जाते हैं हमें एक्चुअल में, ठीक है। और पड़ता कहाँ पे ये लोकेशन बता? ये बिल्कुल 24/7 के बिल्कुल सामने, विकासपुरी मोड़ कहते हैं इसको, मेट्रो पिलर नंबर 625 से राइट होते हैं। राइट होते ही आप बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको, प्योर वेज आउटलेट लवली टिक्का टाइम्स। तो हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो आप? इतना सारा प्यार तो मिल ही रहा है, और प्यार लेना है तो कुछ कह दो। बस एक बार इधर आओ, फीडबैक दो हमें, एक बार खा के देखो, एक बार मौका दो हमें। तो हमारी टेबल सच के ना तैयार हो चुकी है, बहुत सारा खाना नजर आ रहा है, क्रेविंग हो रही है कि हर चीज मैं टेस्ट कर लूं फटाक से। सब कुछ है यहाँ पे, चाइनीज भी है, मोमोज भी है, वेज अंडा भी मिलेगा आपको यहाँ पर, और चाप के तो ये बादशाह है, चाप तो मिलने ही वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट करना चाप से। ये है मटन टिक्का, ये देख रहे हैं, ये थोड़ी ड्राई आइटम होती है, साथ में चटनी प्याज तो मिलने ही वाला है आपको। तो ये है मटन टिक्का चाप, मैं बता रही हूँ
यहाँ की चाप ना बहुत टेस्टी है, और भी स्पाइसी है ये, मतलब जिनको तीखा पसंद है ना उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो ये है मटन टिक्का, सुपर टेस्ट है, सुपर। एक और टिक्का हमारे पास, वो है पनीर टिक्का, बहुत लोगों का ना फेवरेट हो गया पनीर टिक्का। तो ये देख रहे हैं वेजीज से पूरा भरा हुआ है, तो एक पीस उठाते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया लाजवाब टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मस्त, जिसे कहते हैं ना मजेदार। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है वेज अंडा। अच्छा मैं दिखा देती हूँ क्लोज लुक एक बार ना, देखने से बिल्कुल ये अंडा है, मतलब अंदर देख ना व्हाइट येलो पार्ट, फिर ये व्हाइट पार्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं नहीं बताने वाली क्या है ये, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। यहाँ आओ तो ये डिफरेंट आइटम टेस्ट करना, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने वेज अंडा सुना है या खाया कभी, और अगर कहाँ खाया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वहाँ भी जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। बाकी ये है वेज अंडा, क्रिस्पी अंदर है पनीर, और जो साइड में नजर आ रहा है मतलब क्या, ये है मशरूम, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है ये देखो। और नीचे है पतला सा बेस बनाया हुआ है क्रंच का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सच में बहुत बढ़िया है, सुपर टेस्ट। ओके अब मोमोज लवर के लिए आ चुका है, ये है तंदूरी मोमोज। मैंने ज़्यादा आइटम नहीं लगवाई है, दो दो ही लगवाई हैं। अच्छा ये वेजीज वाले होने वाले हैं मे बी, या पनीर वाले, पनीर वाले हैं, पनीर वाले। और यहाँ के मोमोज भी बहुत टेस्टी हैं, ये ना वेस्ट दिल्ली का ना हिडन जैम है, यहाँ पे हर आइटम मिलने वाली है आपको, वो भी धमाकेदार टेस्ट वाली। तो वेस्ट दिल्ली रहते हो या विकासपुरी, जनकपुरी, उत्तम नगर रहते हो तो यहाँ ज़रूर आने एक बार टेस्ट करने के लिए। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, स्विगी पे भी हैं ये लोग। तो ये है तंदूरी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, टेस्ट खट्टा खट्टा आ रहा है, टेस्ट बहुत बढ़िया। ये देखो पास्ता लवर, व्हाइट सॉस पास्ता है ये, वेजीज भी हैं साथ में। मैंने इसमें कॉर्न नहीं डलवाया, आपकी मर्जी, अगर आपको कॉर्न खाना पसंद है कॉर्न डलवा सकते हैं, मैंने किसी और में कॉर्न डलवाया। तो ये है पास्ता, मेल्ट हो गया मुंह में जाती, टेस्ट मैं कह रही हूँ सच्ची में निराश नहीं होने वाले हो। जो फूड लवर्स हैं, जो डिफरेंट आइटम ढूंढते हैं कि हमें कुछ तलब लगते हैं खाने, कुछ क्रेविंग होती है ना, ये बेस्ट आउटलेट है, लवली टिक्का टाइम, मजेदार। ओके तो नूडल्स भी हैं यहाँ पर, मुझे पानी आ रहा होगा ना इतना सब खाना देखकर, अगर मन कर रहा है ना तो इसमें तो जल्दी से ना एक चीज ना स्विगी पे ऑर्डर कर लो अगर आसपास रहते हो तो, चॉइस कर लो लवली टिक्का टाइम। ओके इसे मैंने कॉन्डल माए हैं, वेजिस फूल ऑफ वेजिस से भरपूर सब कुछ मतलब, और ये नूडल्स बेस्ट पार्ट, जितने पतले नूडल्स होंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे कॉर्न वाले नूडल्स ना बहुत पसंद है। कोई आइटम नहीं है यहाँ पर इसे खा के मैं ये कहूँगी अरे नहीं मुझे यही अच्छी लगी, एक से बढ़कर एक मिलने वाला है। स्टीम मोमोज भी हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये मैंने वेजीज वाले लिए हैं, ये देख लो वेजीज, इसमें कॉर्न भी है, कैरेट भी है, बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दाल मखनी आ गई है, इसको भी टेस्ट में थिकनेस देख रहे हो आप दाल की, मजेदार क्रीमी फॉर्म में मिलने वाला है आपको ये सब कुछ। मैं ही टेस्ट करने वाली हूँ रुमाली रोटी के साथ, मतलब यहाँ पे मैंने आपको ना सारी आइटम टेस्ट बताई है, एक एक आइटम का टेस्ट बहुत बढ़िया है, और जो सिग्नेचर डिश होने वाली है ये, दिल्ली की बेस्ट दाल है, बेस्ट सीरियसली कह रही हूँ, यहाँ का खाना खाओगे ना
एक बानी रेगुलर कस्टमर बन जाओगे, सीरियसली कह रही हूँ। हर आइटम बहुत ही बढ़िया है। तो ये सब अगर आपको खाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? लवली टिक्का टाइम विकासपुरी आउटलेट पे। सिग्नेचर डिश है दाल मखनी। बाकी ओवरऑल आइटम सारी बढ़िया है, लेकिन दाल मखनी ना मैं दिल जिगल, मैंने लास्ट में मैंने खाई है, पर मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है। हर एक आइटम का टेस्ट बहुत बढ़िया है। अब मैंने आपके लिए ना सारी टेस्ट करके बता दी है कि जिसकी जो जो फेवरेट है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ आके भी खा सकते हैं, पैक भी करा कर लेके जा सकते हैं, स्विगी पे भी है, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं घर पे बैठे हुए। खाना लाजवाब मिलने वाला है आपको और दिल खुश करने वाला है खा के, और पेट भी आपको खुश रहने वाला है। तो कहाँ आना पड़ेगा उसके लिए? आपको लवली टिक्का टाइम जनकपुरी के आउटलेट पे आना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज तो कर दो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना मत भूलना। और इतना सारा खाना अब मैं खाऊंगी आराम से, वीडियो मेरी बन चुकी है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।